हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब घर पे अपने अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर टू का थर्ड पार्ट इसमें इस वीडियो में देखेंगे। और इस चैप्टर टू के अंदर, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, कि कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, और उन नए टॉपिक में से एक टॉपिक है अरब स्प्रिंग। ये टॉपिक पहले यूपीएससी में और नेट में चल रहा था, और एनसीईआरटी ने पहली बार इस टर्म का यूज अपने सिलेबस में किया है। अब ये देखिए, ये वर्ड है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का मतलब है अरब देश जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अरब कंट्रीज का। मिडिल ईस्ट कहा जाता है इन्हें, खाड़ी देश कहा जाता है इन्हें, मध्य पूर्वी एशियाई देश और तेल निर्यातक देश, बहुत सारे नामों से ये एरिया जाना जाता है। और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब वैसे देखा जाए तो बसंत ऋतु होता है, एक लहर होती है, ठीक है। यहाँ पे अरब स्प्रिंग क्यों लिया गया? अरब के लिए में जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के लिए स्प्रिंग नाम यूज किया गया, क्योंकि ये एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। जो आप पढ़ने जा रहे हो उससे अरब कंट्रीज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आया, एक लोकतांत्रिक परिवर्तन आया। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये है मिडिल ईस्ट। ये आप मैप देख रहे हैं, आपके वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। जो ब्राउन पार्ट है इसकी कंट्रीज मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, यूएई, ओमान, ये जो बहरीन, कतर, ये जो कंट्रीज है ये मिडिल ईस्ट कहलाती हैं। ये सब के सब देश जो है वो अरब राष्ट्र कहलाते हैं, ठीक है। अब अरब स्प्रिंग क्या थी वो देखिए, कि इन मध्य पश्चिम एशियाई जो देश हैं, इनमें एक 2010 के बाद एक विरोध प्रदर्शन आरंभ हुआ, एक श्रृंखलाबद्ध यानी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक देश में हुआ, फिर दूसरे देश में हुआ, फिर उसी तरीके का तीसरे देश में हुआ। इस एक लहर को अरब विद्रोह कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी 2010 के बाद, जिसने पूरे विश्व के अंदर अरब देशों को हाईलाइट में लेके आ गई। अब ये क्या था देखो, इसकी शुरुआत हुई थी ट्यूनिशिया से। ट्यूनिशिया आपने मैप में, आप फिर से इसको देख लीजिएगा रिवर्ट करके। ट्यूनिशिया के अंदर एक सब्जी वाला था, मोहम्मद बाउजी, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहां की गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार अधिकारियों का था उसके खिलाफ आत्मदाह कर लिया। और आप लोगों ने ऐसी घटनाएं कई बार देखी होगी दुनिया में, अपने देश में भी देखी होगी, जब कोई एक पर्सन कुछ ऐसा, किसी के साथ कुछ बहुत ही भयावह हो जाए, कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाए, कोई ऐसा जुर्म अपराध हो जाए, तो पूरी दुनिया उस घटना के ऊपर एक हो जाती है और सबके नोटिस में आ जाती है वो चीज, और उसका विरोध इतना होता है कि कोई नया कानून बन जाता है। तो उसी तरीके से अरब देशों में हुआ, एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आत्मदाह किया, और वो घटना इतनी लोगों के जहन में घर कर गई कि वो एक आंदोलन प्रारंभ हो गया उसी एक घटना से। और इसके बाद ये ट्यूनिशिया से बढ़ता हुआ अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन, इन सब खाड़ी देशों में फैलने लगा। और इतना ये घटना इम्पोर्टेंट हो गई कि इसके फलस्वरूप कई कई देश के जो सत्ता नशीन लोग थे उनको अपनी सत्ताएं छोड़नी पड़ी, गद्दी से हटना पड़ा। और उसके बाद में ये बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल, इन सब में भी इन इस बात के खिलाफ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, मानवाधिकारों के खिलाफ, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा था उन सब के खिलाफ खूब भारी मात्रा में जन विरोध, प्रदर्शन, धरने, हड़तालें होनी शुरू हो गई। यही थी एक अरब स्प्रिंग, ठीक है। अब इसके देखो कारण क्या थे कि क्यों ये ना वहां पे अरब के देश की जनता जो है वो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण था तानाशाही। वहां पे ना शाही परिवार है, वहां पे डिक्टेटरशिप थी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ये सबसे बड़ा कारण था। और उस सब के कारण क्या हो रहा था? मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। मानवाधिकार तो है ही नहीं, जब लोकतंत्र नहीं है तो अधिकार तो बस नाम मात्र के ही है केवल। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, भ्रष्टाचार था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था बहुत बेकार थी। ऐसे तो वो अमीर देश है पर जो पैसा है ना वो कुछ ही सीमित लोगों के हाथों में है। और कुछ स्थानीय कारण, कुछ भूमिगत
भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लिंग के अनुसार भेदभाव, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ये सब चीजें वहां पे छोटे छोटे कारण मिलकर बहुत सारे कारण बन गए कि जनता विरोध के लिए सड़कों पर आ गई। इसमें बहुत सारे ना कारण तो थे ही, उसमें ये जो सारा तानाशाही, मानवाधिकार का उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाली, इन सब के कारण पूरा का पूरा जो एक क्रांति जो है वो क्रांति सुलगने लगी। और वहां के जो नौजवान थे वो क्योंकि बेरोजगार थे, काम नहीं है तो क्या करेंगे, उनको सबसे ज्यादा इन चीजों ने हर्ट किया। और वो दुन और एक और इसमें रोल था, इसके अंदर क्या सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। कैसे कि ना इंटरनेट आ गया इन देशों के अंदर, और सोशल मीडिया के चलते नौजवानों को सूचनाएं मिलने लगी कि दूसरी दुनिया में किस तरह से शासन चल रहा है, किस तरह से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, किस तरीके के नागरिकों को कितनी छूट है, और ये सब चीजें जो है वो असंतोष बढ़ता गया, चरम पर पहुंच गया, और बेरोजगारी, अकाल, इन सब ने आगे बढ़ा दी घटना को। और एक आदमी की मृत्यु के बाद ट्यूनिशिया से शुरू हुआ ये जो संघर्ष और विरोध का सिलसिला है वो आगे तक बढ़ता चला गया। अब एक पॉइंट आता है कि किस तरीके से ये क्रांति हो रही थी। ये क्रांति कोई वो नहीं थी कि रक्त रंजित क्रांति हो, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हड़तालें होती थी, धरने, मार्च, रैलियां निकाली जाती थी। उसमें एक चीज क्या होता था कि ये धरने, रैली, मार्च जो है ये फ्राइडे को होते थे। वहां पे लोग फ्राइडे को जुम्मे की नमाज अदा, इस्लामिक कंट्रीज है वो, आपको पता है, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते थे और उसके बाद में एक साथ सड़कों पर आकर और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे। और सोशल मीडिया था ही साथ में सबको इकट्ठा करने के लिए। अब इसके परिणाम क्या हुए, इस अरब क्रांति चलती रही, अभी भी चल रही है कई जगह पर, तो आप अभी भी सुनते हैं बहुत सारे, परंतु कुछ परिणाम इसके सामने आए। अब जो शाही परिवार थे वो शाही परिवार तो ये तूफान झेल गए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत सारे शाही परिवारों ने और अपने जो देश थे, अपनी कंट्रीज है, उनके अंदर बहुत तरह की उदारता बरती, बहुत सारे अधिकार अपनी जनता को दिए। और वो अधिकार देने के कारण क्या हुआ कि वहां की जनता थोड़ी शांत हो गई, उन्हें मौलिक अधिकार मिलने लगे, तो परिवारों ने लिबरल एटीट्यूड अपनाकर इस क्रांति का सामना किया। अब वहां पर एक और चीज उत्पन्न हुई कि जब लिबर्टी आ गई तो अब अमेरिका की ज्यादा नहीं चलती थी, पहले केवल परिवार जो थे उनका अमेरिका से कॉन्टेक्ट है, तेल बेच रहे हैं, अमेरिका अपनी सारी चला रहे हैं वहां पे। और एक और चीज वहां पर देखने में आई कि सिया सुन्नी का युद्ध वहां शुरू हो गया। ये भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है और अभी भी बहुत सारे देशों में ये जातिगत मसला वहां पर विद्यमान है। और कुर्द जो है, कुर्द समुदाय था, उसने भी इसका फायदा उठाया और इस क्रांति के अंदर अपनी एक अलग ही भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक इस क्रांति का दुष्परिणाम ये था कि यहाँ पे महिलाएं जो है वो निशाना बन गई, वो उनका बहुत शोषण हुआ, और दुबई जो है वो उभर कर सामने आ गया, उसकी प्रॉपर्टी में उछाल देखने को मिले, पूरी दुनिया के अंदर दुबई का नाम हो गया और डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुबई जो है सऊदी अरब सामने आया, और वहां के नक्शे में भी बदलाव हो गए, कुछ जो देश थे वो बिल्कुल ही बदल गए। और अब एक पॉइंट उठता है कि भारत, भारत का क्या रोल है अब अरब स्प्रिंग में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी एनसीईआरटी की बुक पब्लिश नहीं हुई है, कितना किस रूप में वो इस मैटर को लेंगे ये मैं कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकती। मैंने कोशिश की है कि आपको ये पॉइंट ऐड हुआ है तो इसके बारे में सारी नॉलेज दे दूं। तो भारत का इसमें रोल ये है कि भारत जो है वो हमेशा से लोकतंत्र का समर्थक रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, कोई भी हमारा अफगानिस्तान हो, हमारे निकटवर्ती राष्ट्र है, तो जितने भी हैं, तो इन सब में वो लोकतंत्र का समर्थक रहा है। तो वही कोशिश भारत की अरब देशों के साथ है, और अरब देशों में भारत के बहुत सारे लोग काम करते हैं वहां पे, बहुत 35 मिली जो 9 मिलियन, सॉरी 9 मिलियन के करीब लोग, 9 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 90 लाख, 90 लाख लोग जो है हमारे अरब देशों में काम करते हैं, रोजगार के लिए वहां पे जाते हैं। तो वहां की कोई भी बात होती है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा, और वो लोग हमारे यहाँ पे पैसा भेजते हैं, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है, विदेशी मुद्रा आती है हमारे यहाँ पे। तो इस कारण भारत जो है वो वहां पर लोकतंत्र का समर्थक बनकर सामने आया। अब इसमें देखिए
अब ये हो जाता है, क्या करे भारत, क्या कर सकता है इन देशों में। सीरिया वगैरह का तो आपने पिछले दिनों सुना, ISI एक आतंकवादी संगठन वहां पर हो गया, और बेरोजगारी और हालात जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वो क्रांति समाप्त हो गई और वहां पे कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे समस्याएं जो है वो अलग तरीके से चल रही हैं, और वहां पे जो काम कर रहे हैं हमारे भारतीय, उनके सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो जो चुनौती है वो पूरी दुनिया के सामने ही है कोरोना वायरस की, तो उसके कारण सारे लोग अपने अपने देशों में, मुल्कों में वापस लौटना चाहते हैं। पर और भारत जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए वहां पर शांति स्थापित करना चाहता है, और इसीलिए वो निरंतर वहां के संपर्क में रहता है। तो ये एक अरब स्प्रिंग क्या है, एक क्या बदलाव के चल रहा है जो पश्चिमी मध्य एशियाई देशों के अंदर, तो वो इसमें आपने देखा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। और जैसे ही आपकी NCERT की बुक आएगी, हम इसको फिर से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कितना बुक के अंदर किस तरीके से इस टॉपिक को लिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या है घटना, मैप भी आप समझ गए होंगे अरब का, और क्रांति किस कारण से हुई, क्यों हुई, और क्या चल रहा है वहाँ पे, ये सब चीजें आपने देखी होगी। तो आपका ये जो सेकंड चैप्टर है इस वीडियो के साथ, आई थिंक मैंने सारे इसके टॉपिक जो आपके नए सिलेबस में ऐड हुए हैं उनको इसमें शामिल कर लिया है। थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। अपना फीडबैक जरूर दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पॉजिटिव सोचें, अपने घर के माहौल को अच्छा बना के रखें, और अच्छे से इस संकट का डटकर सामना करें, निराश ना हो। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ।